हे गाइस एंड व्हाट्स अप। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल है कि बीटीएस के नाम को यूज़ करके हम कैसे व्यूज ले सकते हैं। तो ना बहुत बड़ा सीक्रेट है, किसी को ना बताना मत, ठीक है। सो आज की वीडियो को थोड़ी ध्यान से देखना क्योंकि आज कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, बट मैं दिल से चाहता हूँ कि आज जो मैं बोलूँ वो आप एक बार समझे इस बात को और फॉलो करें। मतलब एटलीस्ट फॉलो ना करें या फिर करें वो आपके ऊपर है, बट एटलीस्ट तुम समझो इस बात को जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हे गाइस, सो जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल बहुत सारी क्रिकेट गेम्स चल रही है, जैसे कि बिग बैश लीग हो गई और लेजेंडरी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया सीरीज हो गई। सो अगर आपको उसमें पैसे कमाने हैं तो आपके लिए एक बहुत सही तरीका है, यू जस्ट हैव टू बैट ऑन योर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फेवरेट टीम। वेदर इट इज़ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और एनी ई स्पोर्ट्स, आप किसी पे भी बैट लगा सकते हैं। एंड माई फ्रेंड वन एक्स, द मोस्ट रिलायबल बुक मेकर, मेक श्योर करते हैं कि आपको आपके पैसे सही सलामत मिल जाए। और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए $100 फॉर द फर्स्ट डिपॉजिट। सो डू नॉट हेजिटेट, बैट ऑन योर फेवरेट मैच नाउ एंड गेट मनी। लिंक और प्रोमो कोड दोनों आपको मेरे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट, प्रूव दैट यू आर अ ट्रू स्पोर्ट फैन। सो आजकल बहुत सही स्कीम चल रही है मार्केट में व्यूज लाने की, और वो है बाय यूजिंग बीटीएस और एनी केपॉप बैंड। अब देखो कैसे बीटीएस या फिर कोई भी केपॉप बैंड का नाम यूज करके तुम्हें व्यूज आते हैं। अब आई नो तुम में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि मैं भी तो केपॉप के ऊपर बनाता हूँ, और भी लोग केपॉप के ऊपर बनाते हैं। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि देर आर टू टाइप ऑफ वीडियोज, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव वीडियोज बनाते हैं, जैसे कि हम ना केपॉप के बारे में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं ना कि नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव होती है वो बताते हैं, बट मोस्टली हमारी पॉजिटिव वीडियोस होती है। सो जो पॉजिटिव वीडियोस होती है ना, वो कभी ऐसे बहुत धीरे 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 चलती है। और अगर तुम किसी के भी बारे में नेगेटिव वीडियो बनाओगे जो कि नेगेटिविटी फैला रही होगी, हेट फैला रही होगी, वो बहुत जल्दी चलती है। और सोशल मीडिया की एक चीज़ है ये, तुम कभी भी नोटिस करना, ठीक है। सो जो पॉजिटिव वीडियोज़ जैसे हम बनाते हैं, भाई मेरे को जहाँ मैं अभी हूँ मेरे को लगे 3 साल वहाँ आने में, और जो नेगेटिव लोग हैं जो कि मतलब सिर्फ हेट फैला रहे होते हैं, उन्हें ना 2 महीने नहीं लगेंगे अगर वो नेगेटिव वीडियोज़ बनाने लग गए। ऐसे मिलते हैं उन्हें व्यूज़, और ये क्यों मिलता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि जो नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं ना, उसमें हर कोई जाके कमेंट करता है, और कमेंट करता है तो उन्हें इंटरेक्शन मिलती है, इंटरेक्शन मिलते हैं तो यूट्यूब उनकी वीडियोस को प्रमोट करता है। सिंपल, एट द एंड उन्हें व्यूज़ मिलते हैं। डजेंट मैटर कि उन्हें डिसलाइक्स मिल रहे हैं, कॉमेंट्स नेगेटिव मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा हो, बट व्यूज़ उनको मिल रहे हैं, और यही एक चीज़ है जो मैटर करती है। तो ये फंडा आप समझ आ गया कि तुम अगर किसी को रोस्ट करोगे या फिर उन्हें गालियां दोगे तो तुम्हें व्यूज़ मिलेंगे। सो अब मार्केट में स्कीम क्या चल रही है, वो ये चल रही है कि पहले ना बीटीएस को पकड़ो, उनको गालियां दो भर भर के, मतलब रोस्ट तो छोड़ो, रोस्ट नहीं बोलेंगे, बस गालियां दो, और उसके बाद पता है ये गारंटेड है कि तुम्हें व्यूज़ मिलेंगे। फिर एक बार व्यूज़ मिल जाए, सबको पता चल जाए कि हाँ भाई एक ये इंसान भी है, और जब ये पता चल जाए तो चुपचाप आके एक वीडियो बना दो जिसमें बोलो सॉरी गाइस, मुझे पता चल गया कि मैं जो कर रहा था बहुत गलत था, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं मतलब शर्मिंदा हूँ, और अब से मैं पॉजिटिव वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, अब से मैं नेगेटिव वीडियोस नहीं बनाऊँगा, सो अब से मैं पॉजिटिव वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, और आई नो कि मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, तो मुझे आप चांस दीजिए, मैं आपको खुश करके दिखाऊँगा। तो अब आप जो कि मेरे हेटर हो, जो कि मुझे कल तक डिसलाइक कर रहे थे, अब आप मुझे सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं अब अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। और एक बैकग्राउंड, हाँ सैड बैकग्राउंड पक्का लगाना है। तो ये थीम चल रही है, और बेचारी भोली भाली जनता जो कि कल तक गालियां दे रही थी आज उन्हें सपोर्ट कर रही है। दे आर लाइक हाँ भाई ठीक है, हम तेरे दुश्मन नहीं है, तेरी सोच के दुश्मन है, तूने अपनी सोच बदल दी तो अब से हम भी अपनी सोच बदलेंगे, और जो हम कल तक तुम्हें नफरत करते थे आज हम तुम्हें प्यार करेंगे, आज हम तुम्हें सब्सक्राइब करेंगे, आज हम तुम्हें फॉलो करेंगे। बस इसी टाइप से हमारी भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर बन जाते हैं हीरो। वाह वाह, बहुत सही। और ये स्कीम आजकल कुछ ज़्यादा चल रही है, मतलब काफ़ी मैं नोटिस कर रहा हूँ। सो अब आते हैं मेरी वीडियो के मोटिव के ऊपर। तो जो मेरी वीडियो का मोटिव है वो ये है कि अगर तुम में से कोई भी किसी भी हेटर को सब्सक्राइब कर रहा है क्योंकि उसने एक प्यारी सी वीडियो बना दी जिसमें वो कह रहा है कि मैं एक आर्मी बनना चाहता हूँ या फिर मैं एक फ़ैन बनना चाहता हूँ, मुझे 2 वीडियोज़ भेजी थी किसी ने, मैंने वो गाने सुने, माइक ड्रॉप भेजा था वो सुन लिया, या कुछ और भेजा था वो सुन लिया, और अब मैं उनका फ़ैन हो चुका हूँ, अब मैं उनके हेटर्स को रोस्ट करूंगा। कल तक मैं उन्हें रोस्ट कर रहा था, मैं उनके हेटर्स को रोस्ट करूंगा। मतलब मुझे ना समझ नहीं आ रही कि कोई बंदा 4-5 वीडियोस बना दे रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है, उसका एक वीडियो मिलती है उन्हें, एक गाना सुनने से उनके मतलब एक सोच ऐसे बदल जाएगी, ऐसे नफरत से सीधा प्यार में हेटर से सीधा फैन में, मतलब गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है भाई ये तो। मतलब 3 दिन में तो भाई मैं ना बदलूं, और ये लोग जो मतलब ऐसी सोच रखते हैं जो कि सिर्फ लुक्स के ऊपर जज करते हैं, सिर्फ गालियों से बातें करते हैं, वो एकदम से मतलब महान इंसान बन जाए 3 दिन में, ओहो
हार्ड टू डाइजेस्ट, राइट? सो आई नो कि तुम बहुत भोले हो यार, तुम्हें लगता है कि हाँ भाई ठीक है, ये भी भाई आर्मी है और हमें आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बट तो तुम्हें ना ये बात समझनी पड़ेगी कि वो बंदे सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई यूज़ कर रहा है, बट भाई कोई बंदा 5-6 वीडियोस बना रहा है सिर्फ गालियाँ देते हुए, वो मतलब 4 दिन में कैसे बदल सकता है? मुझे ये समझ नहीं आता भाई, 4-5 दिन में कोई बंदा कैसे बदल सकता है? वो बस तुम्हें यूज़ कर रहा है, उन्हें पता है कि अब उन्हें हाइप मिल चुकी है, सबको पता है कि इस नाम का बंदा एग्जिस्ट करता है, तो ये जो नेगेटिव इमेज है इसे बदलने का टाइम आ चुका है, तो बस आर्मी को यूज़ करो। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ जो कि अगर समझ आ गई तो बहुत ज़्यादा सही है, कि क्यों हर कोई BTS को रोस्ट करता है, क्यों? मतलब जिस वे में वो रोस्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता उन्हें BTS से नफरत है, उन्हें नफरत है उनके लुक्स से, उनके बालों से, या फिर उनकी लैंग्वेज से, मतलब इन्हीं चीज़ों से नफरत है उन्हें। जितने भी मैंने रोस्ट देखे हैं, ये ऐसे दिखते हैं, ये वैसे दिखते हैं, ये वो, मतलब BTS को पर्टिकुलर कोई मेंबर से नफरत नहीं है, पर्टिकुलर कोई ग्रुप से नफरत नहीं, उनके लुक्स से नफरत है या फिर उनके डांस, मतलब जो भी है बस यही चीज़ें निकालेंगे। तो भाई BTS ही क्यों? मतलब EXO है, GOT7 है, बिग बैंग है, सभी सेम दिखते हैं ना, दिखते तो सारे वैसे ही है वहाँ पे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ BTS ये जो अलग दिखती हो, या फिर BTS ये जिसने अपने बालों को कलर करवाया हो, मतलब सबने करवाया होता है, तो क्यों सिर्फ वो BTS को टारगेट करते हैं और किसी ग्रुप को नहीं करते? पता है क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए होते व्यूज़। सो अब तुम समझो, पहले BTS को टारगेट करेंगे, उनकी पब्लिक से व्यूज़ लेंगे, और उसके बाद उनकी पब्लिक को अपनी पब्लिक बना देंगे, समझ रहे हो? ये है पूरी स्कीम। तो आई होप कि तुम मैं जो बताना चाहता हूँ वो समझ रहे हो। सो अब तुम्हें किसी को भी सिंपथी के दम पे ऐसे फॉलो नहीं करना, जेन्युइनली अगर तुम्हें दिल से लग रहा है कि हाँ भाई ये बदलने की कोशिश कर रहा है तो ही करना, वरना ना ये अब एक ट्रेंड सेट हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, ये लोग तो है बेचारे भोले भाले बेवकूफ़ से, इन्हें तो हम दो अच्छी अच्छी बातें बोल देंगे कि अब हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं गाइज, अब हम ये वो, और ये लोग हम पे आ जाएंगे, मस्त फॉलो वॉलो करेंगे, और फिर इसीलिए शायद अब BTS के बहुत ज़्यादा रोस्ट होने लग गया है, बहुत ज़्यादा हेट फैलाने लग गया है लोग, क्योंकि उन्हें ये जो ट्रेंड चल रहा है सो कॉल्ड वो समझ आ गया है। तो अब आई होप कि तुम सब भी समझ जाओ यार, कि ऐसे सिंपथी के दम पर कि हाँ भाई ये भी आर्मी बनना चाहता है, इसे सपोर्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं है, ठीक है किसी ने रोस्ट किया, कोई बंदा माफ़ी मांग रहा है, माफ़ कर दो, उसके आगे की वीडियोज़ में डिसलाइक्स मत करना, कॉमेंट्स मत करना, स्पैम मत करना, वो ठीक है, बट फॉलो सिर्फ तब करना जब तुम्हें दिल से लगे। मतलब मैं नहीं होता कोई बताने वाला कि इसको फॉलो करो, इसको मत करो, इसको करो, इसको मत करो, वो तुम्हें खुद से अंदर से फीलिंग आएगी तो ही करना, दैट्स इट। सो यस, अगर कुछ तुम्हें इस वीडियो से समझ आया तो सही है, बहुत सही है, और अगर कुछ ना समझ आया हो तो मेरे व्यूज़ बढ़ाने के लिए शुक्रिया गाइज, और बाय बाय एंड टेक केयर, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।